हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के नंबर वन चैनल करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल में। मैं हूं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर और करियर गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आपके मन में डर बैठे हैं, चार डर होते हैं जिसकी वजह से इंसान एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाता। अगर वो चार डर आपके निकल गए तो आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर वो डर बने रहे तो यार देखो एक्सपोर्ट नहीं कर पाओगे। वो डर निकालने कैसे है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ये सारा का सारा चीज़ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। यार एक चीज़ बताओ, सबसे पहला डर आपका यही ना, यार मैं एक्सपोर्ट शुरू करता हूँ तो मुझे बायर कैसे मिलेगा। सबसे कॉमन क्वेश्चन है कि मुझे बायर कैसे मिलेगा। मेरा एक सवाल का जवाब दो, 200 प्लस देश है, 200 प्लस देशों में यार हम इतने बदकिस्मत है, एक भी बायर नहीं मिलेगा और पता नहीं प्रोडक्ट बिक कैसे रहा। कोई तो बायर है, कोई तो सेलर है। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है जो आपको बायर की हेल्प करेंगी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको डेटा प्रोवाइड करेंगी, ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के जरिए भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो क्या प्रॉब्लम है, बायर हमेशा मिलता है और मिलेगा। वीडियो लगातार देखते रहिए, हमने बहुत से वीडियो डाले हुए हैं कि बायर को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो वहां से आप सीख लीजिए और बायर को फाइंड आउट करिए। लेकिन दिक्कत क्या है, क्वेश्चन तो आपके पास है बायर कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ यार, बिना प्रोडक्ट के कौन से बायर को ढूंढोगे और कैसे ढूंढोगे। मुझे इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस आता नहीं, मुझे पूरा प्रोसेस आता नहीं, लेकिन मुझे बायर कैसे फाइंड आउट करना है। अब लोग पता है क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बायर का पता लगा कि ये बायर यहां से इस वेबसाइट से मिलता है, जाके मेल कर दी, डेटा उठा लिया, भेज दिया। सपोज करो किसी सोयाबीन के बायर ने अपनी क्वेरी डाल रखी है, लोग सोयाबीन में काम नहीं करते लेकिन उस बायर को मेल कर देते हैं ये देखने के लिए क्या वो रिस्पॉन्स करेगा कि मैं तो जी सोयाबीन का सेलर हूँ तो आप बताइए आपको कितना ऑर्डर चाहिए। अब बायर ऑर्डर तो बताता है, साथ में टेक्निकल टर्म्स के बारे में बता देता है। अब उसके बाद आप सोचते हैं कि यार चलो बायर का रिप्लाई तो आ गया, इसका मतलब बायर मिलता है, लेकिन उसके बाद उसको रिस्पॉन्ड नहीं करते। क्यों? आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नहीं आता, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो इसीलिए। वो क्या पूछ रहा है, आपने बस ये देखा कि बायर ने रिस्पॉन्स किया, दैट्स इट। गलत है, कभी बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरी बार अगर आप सोचते हो ना मैं 15-20 दिन बाद जाऊं उसको बिना रिप्लाई किए तो बस गया बायर हाथ से। तो सबसे पहले ये चीज़ सुधारिए, बिना सीखे बिना समझे अगर बायर का डेटा मिलता भी है तो प्लीज़ रिस्पॉन्स मत करिए अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के ऊपर हमने बहुत से वीडियो डाले हुए हैं, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो प्लेलिस्ट में बहुत से वीडियो डाले हुए हैं, लगभग 100 प्रोडक्ट पे डाले हुए हैं, तो वहाँ जाके सीख लीजिए, फिर भले ही स्टेप उठाइए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखना है तो पूरी सीरीज़ चलिए लर्न इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, उसको देखिए, समझिए, जानिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है यहाँ पे आके ले सकते हैं। अब दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी दिक्कत आती है इन्वेस्टमेंट, मेरे पास पैसे कम है। माइंड में दिमाग में ये है जिससे भी पूछा कि भाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तो कंटेनर ही जाता है, लाखों करोड़ों रुपए के बिना ये काम शुरू हो ही नहीं सकता, इसको छोटा बंदा तो काम कर ही नहीं सकता। बहुत से लोग जानते हैं, और क्या होता है कई बार लोग जो है एक्सपोर्ट हाउस और इंपोर्ट हाउस में काम कर रहे होते हैं उनको लगता है कि कंटेनर ही जाता है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं, सर मैं तो काम करता हूँ इंपोर्ट हाउस में, मैं तो एक्सपोर्ट हाउस में काम करता हूँ, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट में ही काम होता है, कम में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता यार, आओ ना मैं सिखाता हूँ आपको, 25-50 हज़ार जेब में है उसमें भी हो जाएगा। हम ई कॉमर्स में से स्टार्ट नहीं कर सकते क्या, तो हम वहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत तीसरी क्या है, भाई मैं डिलीवरी कैसे दूंगा। बिल्कुल सही है, डिलीवरी कैसे दोगे, डिलीवरी का एक प्रोसेस है। मुझे फ्रेट फॉरवर्डर हायर करना है, CHA हायर करना है, मुझे पैकेजिंग कैसे करानी है, ये सारा प्रोसेस है ना, ये तो सीखना पड़ेगा ना। मुझे एक बात बताओ, मुझे आम का अगर एक्सपोर्ट करना है तो मैं आम को ऐसे पकड़ूंगा, ऐसे जाके दे दूंगा बायर को, या कट्टों में भर भर के आम जाता है। तो हर प्रोडक्ट की अलग अलग पैकेजिंग लगती है, ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। देखो यार मेरे लिए ना सपने दिखाना आपको बहुत आसान है कि हाँ आप भी पैसा कमा लोगे, बड़ी गाड़ियाँ बना लोगे, बड़े घर बना लोगे, लेकिन मुझे एक बात बताओ बिना सीखे कैसे बनाओगे। आपको प्रोडक्ट का ऑर्डर भी मिल गया, किसी प्रोडक्ट में डील भी करते हो, कोई प्रोडक्ट सस्ते रेट में भी मिलता है, लेकिन उसकी पैकेजिंग के बारे में नहीं जानते तो क्या करोगे। हर प्रोडक्ट की अलग अलग पैकेजिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। इसके बाद एक और डर है, सर हमारी पेमेंट आएगी नहीं आएगी, मर तो नहीं जाएगी।
यार एक बात बताओ, वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट हो रहा है, चाइना लगभग लगभग सारे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, इस समय नंबर वन की गद्दी में बैठा है। कभी सुना है चाइना की किसी पार्टी की पेमेंट मरी हो? क्यों? क्योंकि वो लोग सारी चीजें सीख के समझ के प्रैक्टिकली करते हैं, और हम क्या है, हमने क्या किया, कहीं से पढ़ा या कहीं से क्या कहते हैं कुछ भी वीडियो देखा और अब उसके बाद हो गए शुरू। जब प्रैक्टिकली आपको नॉलेज नहीं होगी तो कैसे करोगे, कौन सी पेमेंट टर्म होते हैं उसको कैसे यूज करना है, कौन सी सेफ होती है कौन सी अनसेफ होती है। मैं तभी कहता हूँ हमारी सीरीज है लर्न इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की, उसमें जाके देखो, उसमें सबसे पहले यही चीज ही सिखाई है हमने कि कौन सी पेमेंट टर्म में काम करना है सेफेस्ट है तो वो क्यों है, और कौन सी पेमेंट टर्म में काम नहीं करना क्योंकि वो अनसेफ है। जब अगर मुझे पता लग गया कि ये पेमेंट टर्म सेफ है तो यार खुद बताओ मैं उसी में काम करूंगा ना। अब बायर आपको कुछ भी बोल दे, कुछ भी बहाना टिका दे कि नहीं जी मैं तो इसी में काम करूंगा, काम मत करो अगर अनसेफ है तो। सिंपल। तो सबसे पहले ये नॉलेज, बेसिक नॉलेज लेनी चाहिए, तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, बिना सीखे इसको मत करिए, और सीखने के लिए आपको एक्सपीरियंस इंसान की ज़रूरत है जो आपको आसान भाषा में समझाए। हमारी तरफ से हम आपको पूरी ट्रेनिंग देते हैं, रहने खाने की व्यवस्था भी देते हैं, उसके बाद मार्केट विजिट भी होती है, पोर्ट विजिट भी होती है, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर विजिट भी होती है, सपोर्ट भी पूरा रहता है लाइफ टाइम, तो और क्या चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ों के डर आप निकालिए, उसके बाद काम शुरू करिए। लेकिन अगर इन डरों में कोई डाउट है, अगर वीडियो देखने के बाद भी आपको लगता है नहीं यार कुछ मिसिंग है, कुछ समझ नहीं आया, या कभी भी कोई डाउट है, या दिल अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया वो, तो यार बिल्कुल मत करो, क्यों नुकसान करना यार, टाइम ले लो, सवाल पूछ लो। टेलीग्राम पे हमारा अकाउंट है करियर गुरु एक्सपोर्ट एक्सपर्ट्स ग्लोबल के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे उसको ज्वाइन करो, वहाँ पे सवाल पूछ लो, वहाँ पे कोशिश हम ये करते हैं इमीडिएट आपको आंसर दिए जाए। हमने स्टाफ बिठा रखा है वहाँ पे कि यार कोशिश करो कि इमीडिएट जो कोई क्वेश्चन पूछता है हाथ के हाथ आंसर दो। तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है स्टेप उठाने की। हिम्मत रखिए, अगर बड़ा बनना है तो हिम्मत भी बड़ी रखनी पड़ेगी, तो ये ध्यान में रखिए। तो दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद। With the